शिमला NH पर शमलेच के समीप भीषण हादसा हो गया। चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे एक टैंकर ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। हालांकि इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं लगी, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। बताया जा रहा है कि टैंकर चालक ओवर स्पीड में था और सबसे पहले सामने से आ रही पिकअप को टक्कर मारी। पिकअप के पीछे चल रही मारुति कार उसके नीचे दब गई। इसके बाद ट्रक चालक ने एक अन्य वाहन को टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारी छानबीन शुरू कर दी। बता दें कि इन दिनों टनल मार्ग पर मरम्मत का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से पुराने मार्ग पर यातायात काफी अधिक है। हादसे की ये भी वजह मानी जा सकती है, लेकिन गाड़ी में मौजूद लोगों का आरोप है कि ये हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ है, लेकिन फोन करने के बावजूद उन्हें समय पर 108 एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पाई। पुलिस भी घटना स्थल पर करीब 1 घंटे के बाद पहुंची। तब तक वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा चुका था। हादसे की वजह से शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रुक रुक कर ट्रैफिक जाम लगता रहा। दुर्घटनाग्रस्त वाहन सड़क पर ही था, इस कारण अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों का कहना था कि उनके पास क्रेन की सुविधा नहीं है, किसी अन्य स्थान से क्रेन मंगवाई गई है, जिसके बाद ही वाहनों को हटाया जाएगा। दोस्तों, इस तरह की और अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए 5 दरिया न्यूज के साथ।